डीजे में मनपसंद गाना नहीं बजाया तो शराब के नशे में दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष को जमकर पीटा। मारपीट के बाद बारात थाने पहुंची, थाने में मामला दर्ज हुआ और बारात बगैर दुल्हन बेरंग लौटी। दुल्हन पक्ष का आरोप है, मारपीट के बाद द्वारचार में दूल्हा पक्ष ने दहेज में 21,000 रुपये नकद मांगे थे। चित्रकूट के थाना मऊ अंतर्गत एक गाँव में आई थी बारात। कल आपके यहाँ बारात आई थी, क्या वजह थी जो मारपीट हुई और बारात वापस हो गई? बारात की वजह थी हमारे भैया खाना चला रहे थे और भैया कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी सिस्टर खाना खा रही थी अंदर और वो चूहा गिरा खाना में तो वो तीनिंग कर फैले आ गए। बोल रही किसी मजाक किया था मुझसे, तो बोल रही मैं खाना नहीं खाऊंगी और खाना गर्म नहीं है ठंडा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, अपना खाना रख लो मैं चली जाऊंगी। फिर रोते रोते चली गई, वहाँ गई जनवास में, जनवास से आई उसके भैया आए स्टेज में बैठ गए और हमारे भाई खाना चला रहे थे, फिर बस वैसे ही मार दिए, कुछ दिक्कत नहीं है। और दहेज के लिए बोल रहे थे कि मुझे इतना चाहिए, बोल रहे थे 20,000 चाहिए मुझे, वो जो मतलब द्वारचार होता है बोल रहे थे हर एक चीज़ में मुझे 20,000 चाहिए, तो हमारे मम्मी पापा को उतना नहीं है तो का दें, इसीलिए हम लोग नहीं दिए तो बस उसी में मार रहे थे। तो आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं उस चीज को, आपके यहाँ कल बारात आई थी? जी आई थी। और क्या हुआ है? कल आई थी सर बारात, तो उसमें जो है दहेज मांगा जा रहा था, तो जैसे दहेज 21,000 कई लोग बयां एवं मांग रहे थे हर एक नेक में, तो जैसे 21,000 हमारे नहीं है, गरीब आदमी है तो हम कहाँ पाए, तो ये जो बात होती रही फिर इसके बाद जो है यही खिसपस से, तो लड़के लोग वहाँ खाना इनको परोस के खिला रहे थे, तो वहाँ खाना खिलाते खिलाते पता नहीं क्या बात हुई, वहाँ बड़े वाले लड़के को पहले मारे, फिर एक छोटा वाला भाई को उसको मारे, फिर यानी मेरी बहन के लड़के को मारे और मेरे देवरानी के लड़के, इस तरह मार मारे कि बिल्कुल खून से बूर गया था, उसके कपड़े बिल्कुल खून में गिरा रहा, तो इस तरह हालत ये बराती वाले कर रहे, केवल ये दहेज के लिए इस तरह कर रहे थे। कहाँ से बारात आई थी? ये आई थी रायपुरा से, रायपुरा थाना जी चित्रकूट में। हाँ हाँ। और आपका क्या नाम? मेरा नाम गीता। अरे क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी कल रात? घटना ये हुई कि अचानक ये आए बारात लेके, खाना पीना अपन ने खिलाए पिलाए, इनको स्वागत सत्कार किया, जो भी अपन से बना चाय पानी नाश्ता सब दिए। खाना खाने के बाद इनसे ऑर्डर लिया गया कि भैया अब आप लोग बारात लेके आइए। बारात लेके आने के बाद इन लोगों ने सब ने पी रखी थी दारू, और इसके अलावा इनने बोला चलो हम लेके आ रहे हैं। अब यहाँ से खाना पीना दूल्हे के लिए जाता है, तो दूल्हा भी खाना ना खाया जैसा भी हुआ हो, दूल्हा खाना ना खा के इसके बाद ये लोग चले आए। चले आने के बाद यहाँ नाच कूद कर रहे थे और नीचे तैयारी हो रही थी अपनी जयमाला की। जयमाला के बाद क्या होता है कि कुछ लड़के ज़्यादा पिए हुए थे, जिनको मैंने अपने हाथों से और सामने खाना खिलाया, वो गाली गलौज कर रहे थे और बक रहे थे कि आज जो कुछ होना होगा यहीं होगा। तो हम तो मैटर नहीं समझ पाए इनके मन में क्या है, इन लोगों ने अपना माहौल बना लिया था, 8-10 लड़के 15 लोग जो भी रहे। इसके बाद इनने ये कहा किया कि नाचने कूदने के टाइम पे इनने बात विवाद चालू कर लिया। अब मैं तो नहीं जानता कि मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे घर के हैं, हैं तो सब एक जैसे। अब नाइट में कोई किसी को पहचान नहीं पाया, रात के करीबन 12-1 बज रहा था, ये तो बात जायज है। इसके बाद इनने लपटा लपटी करी, 2-4 लोगों को ले गए गाना बंद कराने के लिए, या मना किया गया कि जयमाला करवा ले उसके बाद नाच गाना कर लेना, तो नहीं माने किसी तरह थे। तो वो डीजे वालों को बोला गया तो डीजे वालों से मारपीट भाई, तो वो मारपीट के उल्टा यहाँ लड़की वालों की तरफ वो भाग गए। अब मुन्ने जब बोला कि तुमने हमारा बाजा डीजे बंद करा दिया, तो ये घर लड़की वालों की तरफ भिड़ गए जो भी थे 8-10 लोग। इसके अलावा क्या हुआ कि इनको गए बीच बचाव में कुछ कर दे, जैसे सुभाषा हुआ और कुछ मेहमान जो आए थे और हम लोग करीब में थे, तो मैं तो थोड़ा 1-2 घंटे के लिए हट गया था। इसके बाद इनकी मारधार हो गई, जब मारधार हो गई तो अचानक किसी ने 100 नंबर लगाया, किसी ने थाने की दौड़ लगाई, और फोन आने के बाद ही फिर 1-2 घंटा बाद जब झगड़ा हो चुका तब पुलिस आई। फिर उनने आश्वासन दिया कि आप कुछ लोग थाने चलिए, तो 8-10 लोग यहाँ से गए थाने, ये लोग रात भर वहीं गए, सवेरे 5 बजे आए। अब क्या निर्णय हुआ किसी को कोई भर मतलब निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद सवेरे बुलाया गया कि सवेरे आप लोग 10 बजे आइए। अब 10 बजे से हम लोग सब कोई गए, हमारी बहन गए, हमारे मतलब एक तरह की जीजा भी गए, सुहासा भी गए और कुछ मेहमान गए, 10-12 लोग गए। वहाँ हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं,
सीधा डांट डपट के भगा देते रहे कि तुम लोग साइड हो जाओ। अब वहाँ बातलें चल रही, लिमका आ रहा, नाश्ता हो रहा, पानी हो रहा, तो हम लोग भैया बिगड़ पानी वाले हैं, हम लोग भीग के प्यासे रात भर रहे और दिन भर से फिर खड़े हैं। करीबन वहाँ से हम लोग 2 बजे आए तो निर्णय ये हुआ कि तुम अपना हिसाब दे दो, तुम अपना दे दो। इसके बाद उनने कागज़ ले लिया, बोले साइन कर दो। जब कोई लिखा पढ़ी नहीं भाई तो साइन किस बात पे करें। वही हमारी भांजी ने मना कर दिया, हम किसी पे कोई कागज़ पे दस्तखत नहीं करेंगे, आप सुनिए अन्यथा ना सुनिए, या फिर हम बड़े उच्च अधिकारियों के पास जा रहे हैं। बस इतना निर्णय हुआ, हम लोग चले गए। जैसे प्रार्थना पत्र में आपने दहेज का आरोप लगाया है, हाँ, तो क्या मांगा गया और क्या? बस हर निर्णय में 20,000 दो, 25,000 दो भाई। तिलक में 21-11 की बात भाई, 11 तिलक में देखे आए, बर्तन कपड़े जो देना था शुरुआत में वो दिया है। इसके बाद वहाँ से उनने ठान ली। अब बोलते हैं हमको लड़की को मोबाइल देना, क्यों देना है मोबाइल लड़की को भाई? हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम क्यों देने देंगे? आपने परमिशन ली या किसी से पूछा? नहीं, हमको देना है, दौड़े दौड़े मोबाइल लेके चले आए। उस रंजिश के कारण उस विवाद से यह विवाद हुआ। दूसरा इनने हवा फैला दिया कि भाई तुम्हारे घर में भूत प्रेत है। अरे भूत प्रेत है तो बीमार रहेंगे, परेशान हम होंगे, तुमको क्या दिक्कत है? जबकि परेशानी उनकी तरफ से थी। अब उनके यहाँ कौन कमा रहा है, क्या कर रहा है, ये हमको जानकारी नहीं है। लड़का क्या कमाता, कितना पड़ा, ये भी हमको पता नहीं। बल्कि रिश्तेदारों ने मना किया कि वहाँ रिश्ता मत करो, ये बात जायज है, लेकिन लोगों ने बोला नहीं हो गया, बन गया तो हो जाने दो। बस इसके बाद वो भी बात चालू हो गई लेन देन से। अच्छा, क्या नाम आपका? मैं चिंतलाल लड़िया लिखता हूँ, कटनी से। लड़की के आप कौन है? मामा। क्या हुआ, कल क्यों मारपीट हो गई? आपके यहाँ बारात आई थी। अरे सब कोई दारू पिए थे, ओवर टाइप नाच रहे थे, किसी को मना करने से वो हुड़दंग लीला करें। जब हर चीज का नहीं हुआ तो भाई देखो, गरम खाना कहीं इसका नहीं, मतलब हर चीज निकाल रहे कि हमारा खाना अच्छा नहीं। वो लड़की आई नहीं चार चार से, तुम्हारा ये वो, लड़कियों को इतनी बुरी बुरी गाली दे रहे, तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि तुम चिट डालूंगी फलाना ढिकाना हीरोइन बन के, तो आई नहीं चार छठे आठ थे, तो ये क्या नाटक है? खाना ही नहीं है बनानी, पूर नहीं बनी, ये क्या बोल रहे? जैसे आपने प्रार्थना पत्र दिया दहेज को लेकर, कहा गया क्या है वो? होगा दहेज क्या है, ये कारण से 250-300 बराती लेके आए कि दहेज न था, इतना मन नहीं दे सके तो 250-300 आदमी ले चलो, इनकी बिजती करो। पहले तो ये शादी के लिए अग्नि नहीं रहे, तुम्हारे घर में भूत है निकालो फलाना ढिकाना, ऐसे है ना। फिर एक बाद हर चीज का किसी तरीके से शादी के लिए एग्री हुए, फिर उसने बस हंगामा यही है कि कहीं वो दादी मर गई, कहीं कुछ है, मेरे को नहीं पता। लेकिन ये लड़का बोल रहा है कि मामा ये शादी नहीं कर रहे, मैं मामा ही नहीं लड़कों का, तो इसीलिए कहा है कि ये हम लोग तो वहाँ खाने के लिए बैठे रहे, वहाँ पर वो कोई वो जो मार खाया है वो आता नहीं, वो का बुला के वो डीजे वाले ने कहते घुसेड़ के मारा है दरवाजे को घसीट के। क्यों? अच्छा, तो क्या कोई खत्म हो गया था, दादी खत्म हो गई थी क्या लड़के के? लड़के वाले की दादी खत्म हो, तो ये पहले उसमें लगे रहे, बोले ठीक है हर चीज ये वो। अब तुम लगन लग गई, अचानक कोई आदमी खत्म हो जाएगा तो शादी का कितना कार्ड ये खर्चा वर्चा कौन सहेगा है? तो इसलिए खर्चे के लिए लेके, हाँ हाँ चलो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, बारात लेके आ रहे हैं और हमारा हर चीज का पूरा करना। और इनको क्या है, थाने में कोई सुनाई नहीं हुई, पूरा सामान ले लिया मेरा, ये ला वो ला, तो दे दी बेचारे, सुनवाई नहीं हुई। हाँ पूछो क्यों सुनाई हुई, बोले। अच्छा, क्या नाम आपका? आपका नाम? ये प्रकरण थाना मऊ के अंतर्गत सुरधा गांव का है। सुरधा के रहने वाले शिवलाल की बेटी शशिकला की शादी रायपुरा के रहने वाले शिवचरण के बेटे अजय के साथ में तय हुई थी। कल बारात आई थी 26 तारीख को, कल बारात आई और डीजे को लेके, डीजे बजाने को लेके रात में करीब 2 बजे तरफ जो है दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ, उसमें मारपीट भी हुई और दोनों पक्षों में दो तीन लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई। इसके साथ ही थाने में इन लोगों ने फिर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर एनसीआर भी पंजीकृत की गई है और 3 लोगों के खिलाफ जो है सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रार्थना पत्र में लड़के पक्ष से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसमें दहेज की जो है इसमें मांग को लेकर आरोप लगाया था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी इसकी जांच चल रही है। जैसे ही जांच होने के बाद में जो भी तथ्य सामने